मध्य प्रदेश के पन्ना की, जहां पर पिपराहा गांव के सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरा मामला जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सरकार बच्चों की शिक्षा के स्तर को ऊंचा लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन क्या हो जब शिक्षा का मंदिर ही भ्रष्ट अधिकारियों की भेंट चढ़ जाए। मामला एमपी के पन्ना का है, जहां एक गांव में प्राथमिक स्कूल में बच्चों के बैठने की व्यवस्था तक नहीं है। स्कूल के क्लासों में छत से पानी टपक रहा है, स्कूल का पूरा फर्श खुदा हुआ है, शौचालय गंदा पड़ा हुआ है, पूरे स्कूल में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते स्कूली बच्चे पढ़ नहीं पाते। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के लिए कितना पुख्ता इंतजाम कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचारी के चलते इन नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नंदू राजा, पन्ना, सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पेंद्र सिंह यादव ने महोबा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल यात्रा निकाली। आज यह रैली बेलताल कस्बे से गुजरी। यह यात्रा 6 दिनों तक जिले में भ्रमण कर पार्टी का संदेश जन जन तक पहुंचाकर अपनी यात्रा समाप्त करेगी। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता साइकिल लेकर उनके साथ चलते नजर आए। कुशीनगर जिले में लंबे समय से वेतन न मिलने से नाराज संविदा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कुशीनगर के सभी विद्युत उपकेंद्रों पर जगह जगह धरने दे रहे संविदा कर्मियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संविदा कर्मियों ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा अब संविदा कर्मियों के लिए अभिशाप साबित हो रही है। देवरिया के राघव दास डिग्री कॉलेज के पास देवरिया गोरखपुर रेल लाइन पर एक व्यक्ति की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। जीआरपी शव को उठाकर रेलवे थाने भी लेकर आई, जहां पर उसकी शिनाख्त देवरिया के भट्टी थाने के फतेहपुर निवासी संजय भारती के रूप में की गई। उसके बाद रेलवे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय में भिजवा दिया। आज नगर परिषद तेलेम में कांग्रेस की बाइक रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होकर एकलेरा पहुंची, जहां पर विधायक जयवर्धन सिंह ने आम जनसभा को संबोधित किया और भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। भिवानी के कस्बा बवानीखेड़ा में पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने एसवाईएल को लेकर भाजपा और इनेलो पर एक साथ निशाना साधा और कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा चुप है और इनेलो कोरी राजनीति कर रही है। चुनाव की आहट को देखते हुए न केवल राजनीतिक दल बल्कि सभी दलों के एक एक नेता सक्रिय हो गए हैं। पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने भी बवानीखेड़ा अनाज मंडी में प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर न केवल विपक्षियों बल्कि कांग्रेस को भी अपने साथ भारी भीड़ होने का एहसास करवाया। इस रैली में कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। रैली के दौरान सभी नेताओं और समर्थकों ने किरण चौधरी को भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया और जमकर नारेबाजी भी की। अपने संबोधन में किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि भिवानी के साथ जमकर भेदभाव किया जा रहा है। बहुत जोश है लोगों में, आपने देखा कि गर्म जोशी के साथ नौजवान बच्चों ने ट्रैक्टरों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर और इतना लंबा काफले के साथ जो है मुझे लेकर आए। आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि हर वर्ग जो है वो बीजेपी से त्रस्त हो चुका है और 4.5 साल बड़े मुश्किल से निकले हैं। अब आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। वो जो है राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे। हाँ, विकास के मुद्दे पर आप चुनाव में आ गए तो क्या लगता है कि कोई विकास का कोई योगदान कर पाएंगे? विकास का मुद्दा लेकर वो आएंगे तो जनता उनको उनका असली आईना दिखा देगी, क्योंकि कोई विकास नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास की जो ये बात करते हैं, जुमले जरूर इन्होंने दिए हैं, जुमलों के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। बहरहाल हरियाणा में चुनाव अभी दूर है, लेकिन अभी से ही सियासत शुरू हो चुकी है। भिवानी से साहिल कुमार की रिपोर्ट। यूपी पुलिस हर किसी न किसी आरोप को लेकर सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार पुलिस रिश्वत लेने के मामले में सुर्खियों में बनी हुई है। आप कन्नौज से संवाददाता अमित राजपूत की ये खास रिपोर्ट देखिए, जो खाकी को शर्मसार कर रही है। यूपी पुलिस हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, कभी थाने के अंदर पिटाई को लेकर तो कभी शराब के नशे में झूमते दिखाई देने पर।
इस बार पुलिस रिश्वत लेने को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। जी हां, इस बार यूपी पुलिस रिश्वत लेने को लेकर सुर्खियों में है और ये मामला है कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली के अंतर्गत कुंवरपुर लोधपुर चौकी का है, जहां चौकी प्रभारी योगेंद्र शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ है जो एक मामले में रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहे हैं, पीड़िता को पैसे की ताकत का एहसास करा रहे हैं। रुपए पूरे न होने पर बार बार पूरे करने की बात कही जा रही है। दुष्कर्म पीड़िता का अभियोग लिखने के नाम पर दरोगा ने रिश्वत की मांग की और बिना रिश्वत लिए अभियोग न लिखने की बात कही। कल शादी हम लोग फाइनल किए तो अब वो लड़के वाले मना कर रहे थे, हम लोगों ने मतलब कंप्लेन दी थी तो उसी की इनके पास इंक्वायरी होने आई थी, तब वो ही था। लड़की लड़के वाले मना क्यों कर रहे थे, क्या कारण था? सर मुझे नहीं पता है, वो अचानक से ही मना करने लगे, पता नहीं सर वो दूसरा मतलब दहेज जान दान देने लगा फिर नहीं। लड़का क्या करता है? वो लोग पैसों की डिमांड करने लगे सर। हम लोग शादी मतलब 10 लाख में तभी थी, फिर वो लोग 25 लाख रुपए मांगने लगे, कितने रुपए ले गया तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। थानों और चौकियों में पीड़िता से वसूली करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। दुष्कर्म पीड़िता से रिश्वत लेने और बिना रिश्वत लिए अभियोग न पंजीकृत करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में दरोगा जी रिश्वत लेने की बात कहते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। दरोगा जी यही नहीं रुके, उन्होंने देश की न्यायपालिका पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में स्पष्ट रूप से कोई आवाज नहीं है, अब बताया जा रहा है अगर ऐसी कोई बात है तो इसमें संबंधित क्षेत्र अधिकारी से इसमें जांच करा के वास्तविकता जो होगी सत्यता के आधार पे इसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, जिस तरीके से पुलिस रेप पीड़िता पर दबाव बनाती है, पैसे लेती है, क्या सही अच्छा है, सही बात है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेप पीड़िता से कोई पुलिस पैसे ले या दबाव बनाए। अगर ऐसी बात है तो तत्काल इसमें मुकदमा दर्ज होता है, मुकदमा दर्ज करके मेडिकल कराने का निर्देश है और अभी तक ऐसा हुआ है। अगर ऐसी कोई बात आप बता रहे हैं तो उसकी जांच कराकर उसमें फिर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट। सरकार ने जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए समाधान दिवस की शुरुआत की थी। समाधान दिवस महीने के पहले और तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। आमतौर पर समाधान दिवस में पुलिस और राजस्व के क्षेत्रीय अधिकारी आते हैं और जनता की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन इस बार मंडल के आला अधिकारी आईजी पुलिस विनोद कुमार और कमिश्नर प्रशासन मुरादाबाद थाना डिडोली पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ के थाना गुसाईगंज स्थित ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम में आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखा सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि उस वक्त गोदाम के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन आग की वजह से अंदर रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। गोदाम से कस्टमर डिलीवरी का काम होता था, जिसमें होम अप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित सारा सामान गोदाम में था। आग का कारण प्रथम दृष्टि में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन गोदाम मालिक ने आग लगने का अज्ञात कारण बताते हुए पुलिस को इसकी तहरीर दी है।